कशप दुजा बिजमाली हसनत जमील खिसाली सल्लु अलैहि नाशरीफ का एक मतला आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचता है। अगर आपकी इजाजत हो तो अल्लाह की बाकी बयान कर लें, कह दें सुभान अल्लाह। मतला पढ़ता हूं, समात करें। कि हश्र में जिस पर मेरे 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 आका को प्यारा जाएगा हश्र में जिस पर मेरे हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा बस उसी को खुल्द का बस उसी को खुल्द का हकदार माना जाएगा बस उसी को खुल्द का बस उसी को खुल्द का हकदार माना जाएगा हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा आ गए रूए रूए जमी पर रहमतुल आलमीन अब गुलामों को भी मसनत अब गुलामों को भी मसनत पर बिठाया जाएगा अब गुलामों को भी मसनत पर बिठाया जाएगा हश्र में जिस पर मेरे एक शेर और पढ़ता हूँ कैफियत का ये शेर अगर आप सुन लेंगे तो मेहनत वसूल होगी। एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह कि बस उसी को खुद का हकदार माना जाएगा क्या हमें भी बादशाही की सनद दी जाएगी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह क्या हमें भी बादशाही की सनद दी जाएगी या रसूल जाएगी क्या हमें भी बादशाही की सनद दी जाएगी
देख्या हमारा नाम देख्या हमारा नाम भी मंगतों में लिखा जाएगा क्या हमारा नाम भी जिंदाबाद। अब एक शेर मैं मनकबत का कह देता हूँ, अगर आपकी तबीयत इजाजत दे तो एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह के बस उसी को खुल्द का बस उसी को खुल्द का हकदार माना जाएगा सजदों की इमामत के लिए देख लेना देख लेना देख लेना सारे सजदों की इमामत के लिए देख लेना सारे देख लेना सारे सजदों की इमामत के लिए देख लेना सारे सजदों देख लेना सारे सजदों की इमामत के लिए हशर के दिन सजदे हशर के दिन सजदे शब्बीर लाया जाएगा हशर के दिन सजदे शब्बीर लाया जाएगा हशर में जिस पर मेरे कलाम का मैं मक्ता पढ़े देता हूँ। कई अहकाम हैं, इख्तिसार के साथ मुझे काम लेते हुए आगे बढ़ना है। मक्ता सुने एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह के बस उसी को खुद का हकदार माना जाएगा। मिद्हत खैरुल बशर तहरीर करता हूँ सहर मिद्हत खैरुल बशर तहरीर करता हूँ सहर मिद्हत खैरुल बशर हते खैरुल बशर तहरीर करता हूँ सहर मिद हते खैरुल बशर तहरीर करता हूँ सहर मेरे एक एक शेर को मेरे एक एक शेर को सोने से तोला जाएगा हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा बस उसी को खुद का बस उसी को खुद का हकदार।